अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम माय टेस्टी डबल किचन पर। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटर मुमताज़। तो चले इनके किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपसे शेयर करती हूँ। 6 से 7 मैंने प्याज ली, उसे बारीक कट कर लिया, प्रेशर कुकर में डाल दिया, फिर उसके ऊपर मटन डाला, 1/4 किलो मटन है। उसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया, ये मटन मसाला है बाहर का, एवरेस्ट मटन मसाला। उसके बाद में मैंने दालचीनी 4 से 5 दालचीनी ऐड की, 1/2 चम्मच जीरा ऐड किया, 3 से 4 ब्लैक पेपर, लौंग और अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया, फिर बची हुई प्याज थी वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। तो मैंने उठा के इसको कुकर को चूल्हे पे रख दिया। कुकर के ऊपर मैंने एक प्लेट रखी, उसके ऊपर मैं गर्म पानी 1 गिलास रखूँगी। गर्म पानी जब गुनगुना हो जाए तो मैं मटन में ऐड कर दूँगी, ताकि मटन जल्दी से अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जूसी जूसी इसको बोटी के पीस रहे। अब इसे सब पानी डाल दिया मैंने और इसे मिक्स कर दूंगी। जब सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। 5 से 6 विसल आने तक मैं इसे पकने दूंगी। 1/2 घंटे के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने मटन को प्रेशर कुकर खोल दिया है, मटन को चेक किया, मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी बाकी के। अब मैंने इसमें मसाला ऐड किया है, एवरेस्ट मसाला 1 चम्मच भर के, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के, जितना आप तीखा खाते इतना। मैं घर का मसाला पीसा हुआ है वो भी मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया। मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी। जब सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि मसाला मटन में अच्छी तरह से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुकर को मैंने बंद कर दिया है, फिर से 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने कुकर को खोला, मटन अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। कितना शानदार मटन दिख रहा है देखिए। ये बादाम और काजू का पाउडर है जिसे मैंने पीस कर रख दिया था पहले से। इसमें मैं पानी ऐड करूंगी 1 कप जितना। मटन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि सारा मसाला मटन में चढ़ जाए। और इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे हम 1 गिलास जितना। और मैंने बादाम काजू का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें, अच्छी तरह से मिलाऊंगी मैं इसे। इस वक्त आप नमक मिर्ची चेक कर ले, उसके बाद मैं फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। हरा धनिया ऐड करूंगी और मैं इसे डिश आउट करूंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मटन मुमताज़ की? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने घर वालों को बनाकर खिलाना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए प्लीज़। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।